हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हरीश राघव आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आशा करता हूं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक कोरियर जो मैंने अभी 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और आज वो हमारे पास आ पहुंचा है। अमेजोन के द्वारा ही मंगाया गया कोरियर। इसमें मैंने ट्राईपोड ऑर्डर किया था और तो आज चलो आपके सामने इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अमेज़न कोरियर के पैकिंग, इसको इधर रख देते हैं। ये BL9 590 LW रिलैक्स ट्राइपोड मंगाया है। इस बॉक्स को खोलते हैं। बड़ी अच्छी पैकिंग दी है। अरे वाह, इसके अंदर भी एक और पैकिंग, इसको भी इधर रख देते हैं। क्या गजब का बैग दिया है उन्होंने। अरे वाह, एक और पैकिंग। भाई क्या गजब तरीके से पैकिंग करके दी है। अरे वाह, क्या गजब लग रहा भाई। ये मोबाइल होल्डर या कैमरा होल्डर, ये ऐसे स्टैंड करके खड़ा हो जाता है इस पर। और ये ऐसे यहाँ से लूज हो जाता है, इसमें चूड़ी है लूज या टाइट करने की। और इसे हम ऐसे ऊपर कर सकते हैं, देख सकते हो आप। और ये इधर इस पे ऐसे मोबाइल होल्डर है, मोबाइल को लगाते हैं या कैमरा लगाना हो तो दोनों में काम करता है। इस तरीके से, और इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से लंबा भी हो जाता है। जैसे काफ़ी दूर से शूट करना हो तो बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी बड़ा स्टैंड दिया है इसका। ये ऐसे एक के बाद एक खुलता चला जाता है। अरे वाह, इतनी तो उम्मीद भी नहीं करी थी, कितना अच्छा स्टैंड है इसके अंदर। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से एंगल से शूट कर सकते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा स्टैंड, काफी गजब तरीके से। ये ऐसे लॉक करना होता है जब रुकता है, आपने देखा। हमने आपके सामने अनबॉक्सिंग की ट्राइपॉड, जो देखने में भी और वैसे भी काफी अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। सेल्फी लेने हो तो देख सकते हो आप कितना बड़ा है, कितनी भी चाहे अच्छी सेल्फी ले लो। तो ये मैंने अमेजोन पे मंगाया है, इसकी कीमत 1200 रुपये में पड़ा है मुझे ये। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।